तेजस्वी यादव जी अपना पार्टी बचा ले यही बहुत है, और बीजेपी सत्ता अपनी नहीं बचा पाई सरकार। उनके पार्टी में अगर हम लोग पोल खोलना शुरू करेंगे तो कीजिए ना, तो अभी बोल तो रहे हैं कि कीजिए ना, हम लोग करके दिखाते हैं, सिर्फ बोलते नहीं हैं। अभी बीजेपी के कितने लोग संपर्क में हैं, एनडीए के कितने लोग, ऐसा भगदड़ भूचाल आएगा पितर पक्ष के बाद कि फिर कल्पना नहीं किए होंगे, सोचे भी नहीं होंगे कि ये हाल हो जाएगा। अभी नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। राजद में होगा जेडीयू का विलय, जेडीयू पार्टी खत्म हो जाएगी। देखिए, ये सवाल खड़ा कर दिया है सुशील कुमार मोदी ने और कहा है कि बहुत जल्द जेडीयू का विलय राजद में हो जाएगा और जेडीयू पार्टी खत्म हो जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी जी, इनसे बात करेंगे। भाई, आप लोग तो जेडीयू को अपने में ला रहे हैं। देखिए, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनका थोड़ा इतिहास जान लीजिए। बीजेपी जब से सत्ता से बिहार में बाहर बीजेपी को किया गया, तब से इसी तरह का अफवाह, इसी तरह का भ्रम जनता के बीच में फैलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता भी सब समझ रही है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में रोजगार की जिस तरह नौकरी की भरमार है, जिस तरह किसानों के लिए काम हो रहे हैं, हर ओर काम हो रहे हैं, जनता वो पसंद कर रही है। ये लोग लगे हुए हैं ये पार्टी टूट जाएगी, ये पार्टी का विलय इसमें हो जाएगा, ये बता रहा है कि बीजेपी असली मुद्दे से भाग रही है। उनका धर्म है बीजेपी का सरकार को घेरने का काम करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है। इसके पहले भी भला बताइए, आज से साल दो साल पहले ये लोग कह रहे थे नालंदा से, बीजेपी के बड़े नेता, कि तेजस्वी यादव जी अपना पार्टी बचा ले यही बहुत है। तेजस्वी यादव जी की पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ गई और बीजेपी नहीं और बीजेपी सत्ता अपनी नहीं बचा पाई सरकार। तेजस्वी यादव जी के गुगली में बीजेपी अगर फंसी दोबारा तो पितर पक्ष के बाद ही ऐसा भगदड़ मचेगा, एनडीए में ऐसा नाव डुबाएंगे, दूसरा खेला में तो फिर खत्म हो जाएगा इनका पूरा कहानी। सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं अंदर खेमे चल रही है बात, जेडीयू तो पार्टी को खत्म कर देगी राजद। सबको अपनी अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, अपनी पार्टी बचानी चाहिए। उनके पार्टी में अगर हम लोग पोल खोलना शुरू करेंगे तो कीजिए ना, अभी बोल तो रहे हैं कि कीजिए ना, हम लोग करके दिखाते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है। सरकार से आउट किया तो पता भी चला उन लोगों को। अभी बीजेपी के कितने लोग संपर्क में हैं, एनडीए के कितने लोग, ऐसा भगदड़ भूचाल आएगा पितर पक्ष के बाद कि फिर कल्पना नहीं किए होंगे, सोचे भी नहीं होंगे कि ये हाल हो जाएगा। अभी तेजस्वी यादव के में है। अभी तेजस्वी यादव जी के गुगली में ऐसा फंसेंगे कि फिर सब इनका दावा। इन लोगों को पहले अपनी चिंता करनी चाहिए, दूसरे की पार्टी की चिंता छोड़ दें। पहले केंद्र की, अब बिहार में सरकार से चले गए, दो दो राज्यों में सरकार चली गई, कर्नाटका में, हिमाचल, अब दिल्ली की सरकार जाने की तैयारी है, बोरिया बिस्तर बन रहा है, पहले उनकी चिंता करें, छोड़ दें जेडीयू और आरजेडी की। अच्छा, एनडीए में आप कह रहे हैं कि बड़ी भगदड़ मचेगी, तो आखिर एनडीए में किन नेताओं के संपर्क में राजद है, किन्हें अपने साथ लाना चाहती है? कुछ बातें पर्दे के अंदर रहने दीजिए। अच्छा। पर्दा न हटाइए, पर्दा जब हट जाएगा तो फिर इसलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो एक गुगली में सरकार चली गई, दूसरे ओवर में तो पूरा बीजेपी और एनडीए का कुनवा ही बिखर जाएगा। यानी कि अगला गुगली जो है तेजस्वी यादव का बड़ा होगा एनडीए के लिए। तेजस्वी यादव जी ने तो दिखा दिया ना साबित करके, और भारतीय जनता पार्टी को पहले जवाब देना चाहिए कि मुद्दे की बात, जो तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया अपने इतने कम एक 12-13 महीने में, अभी सरकार के हुए हैं, नीतीश तेजस्वी की सरकार में काम हो रहा है, जनता के लिए हो रहा है, नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली आई है, हर ओर खुशहाली है, ये हमारा असली मुद्दा है। हम नकारात्मक चीज़ों पर राजनीति नहीं करते, कल भी तेजस्वी यादव जी ने कह दिया। अब वो लोग दूसरे की चिंता करेंगे, वो टूटेगा, वो बिखरेगा, वो विलय होगा, अरे पहले अपनी पार्टी बचाइए, अपने घर को संभालिए, वो ज़्यादा काम आएगा।
तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि पहले अपने घर को संभालिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।